ओनली 16-17% स्टूडेंट जो है वो गेट क्वालिफाई कर पाते हैं इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपको भी गेट क्वालिफाई करना है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। वैसे तो गेट एग्जाम को 7 मंथ्स बाकी है, तो इन 7 मंथ में आपको कौन से ऐसे 5 स्टेप फॉलो करने चाहिए जिससे आप अपना गेट का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो और अपना गेट का ड्रीम जो है वो PSU का ड्रीम है वो आराम से फुलफिल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टेप बताऊंगा जो आपको फॉलो करने चाहिए जिससे आप अपना गेट 2023 का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हो तो अर्न अकेडमी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आ रही है। इससे प्रिपरेशन के दौरान आपको बहुत बढ़िया हेल्प होने वाली है। यहाँ पे अर्न अकेडमी ने प्लस ऑफर फॉर गेट और ESE एग्जाम के लिए अनाउंस कर दी है। यहाँ पे अगर आप मैकेनिकल, केमिकल, कंप्यूटर IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल ब्रांच से हो तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और ये जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत चीपेस्ट प्राइस में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप 38% तक बचा सकते हो अपना जो टोटल सब्सक्रिप्शन है उस पे। जैसे कि अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, वो भी बहुत ही कम दाम में। यहाँ पे जो ऑफर है वो 14 जुलाई तक वैलिड है जिससे आप अपना गेट का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। बैचेस की मेन बात है कि आपको यहाँ पे टॉप एजुकेटर सिखाते हैं। हर मंथ में या फिर हर वीक में अच्छे अच्छे बैचेस अनाउंस किए जाते हैं जिसमें आप चाहिए तो एनरोलमेंट कर सकते हो। यहाँ पे 14 जुलाई को बैच अनाउंस कर दी है जो लक्ष्य बैच होने वाली है गेट 2023 के लिए। मैकेनिकल वाले ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी बैच अनाउंस कर दी है जो इस बैच में हिंदी इंग्लिश में आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए बैच अनाउंस कर दी है, कंप्यूटर IT के लिए बैच अनाउंस कर दी है, मैकेनिकल के लिए बैच कर दी है। तो ये कोई भी बैचेस में आप एनरोलमेंट करके अपना गेट का प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप गेट 2023 या फिर गेट 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया अर्न अकेडमी ने बैच अनाउंस कर दी है जिसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हो। तो इन बैचेस में एनरोलमेंट करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से एनरोलमेंट कर सकते हो। और एनरोलमेंट करते समय आपको मेरा कोड यूज करना है जो कि है नोकुलेटर KNOWCLATR, जिससे बैचेस के एनरोलमेंट पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं ऐसे 5 कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको फॉलो करने चाहिए जिससे आप अपना गेट 2023 एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप है मेक अ स्टडी प्लान टू ट्रैक यूर गेट प्रिपरेशन। गेट प्रिपरेशन को ट्रैक करने के लिए आपको प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपना रेगुलरली स्टडी का प्रोग्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे गैप है, कहाँ पे चीज़ें हम नहीं कर पा रहे या फिर कहाँ पे हमारा मोटिवेशन लूज हो रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप सोच रहे होगे कि 7 मंथ बाकी है और हम इसमें आराम से गेट क्रैक कर लेंगे या फिर गेट का प्रिपरेशन कर लेंगे, बट जब भी आप प्लान बनाते हो तो आप वो प्लान को स्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट अपना मोटिवेशन लूज कर देते हैं प्रिपरेशन के दौरान, तो आपको वो नहीं करना है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट आप अपना प्लान बना लीजिए जिससे आप अपना गेट का प्रिपरेशन ट्रैक कर सकते हो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टडी प्लान बनाने में कि आपको पहले अपना सिलेबस लेना पड़ेगा। जो गेट का सिलेबस आप ले लोगे उससे अपना गेट का प्लान बना लोगे। आपको पता है कि 10 या 12 सब्जेक्ट हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं, वो प्रॉपर अपने हिसाब से प्लान कर लीजिए और अपना गेट का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। गेट प्रिपरेशन में आपको पता है कि 11 और 12 सब्जेक्ट आते हैं, बट आपके कुछ सब्जेक्ट जो रहेंगे वो स्ट्रांग रहेंगे, कुछ सब्जेक्ट आपके वीक रहेंगे। पहले आपको वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन से सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है, कौन से सब्जेक्ट आपके वीक है। अगर वीक सब्जेक्ट पे आप अच्छे तरह से फोकस करोगे तो आपका गेट का स्कोर बहुत इंप्रूव हो सकता है। जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है या फिर जिसमें आप अच्छे हो उसको और अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि उसमें कोई भी मार्क्स लूज ना हो, और वीक सब्जेक्ट को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपका वो भी सब्जेक्ट स्ट्रेंथन बन जाए। ये बहुत क्रूशियल स्टेप है जिससे आप अपना गेट का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है गेट स्टडी मटेरियल। बहुत अच्छा गेट स्टडी मटेरियल आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप अपना गेट का प्रिपरेशन कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट किया है कि गेट का प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो अर्न अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। वहाँ पे बैचेस में एनरोलमेंट करके आप अपना गेट का प्रिपरेशन भी कर सकते हो, प्लस हर वीक में गेट कॉम्बैक होता है जिससे आप अपना गेट का प्रिपरेशन कर सकते हो। गेट का जो कॉम्बैक्ट है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे बात की जाए तो आप वहाँ पे अपना वीकनेस भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपके वीकनेस आपको पता नहीं होंगे तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए गेट एग्ज़ाम की, और उससे आपको पता चलेगा कि कौन से आपके सब्जेक्ट वीक हैं जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन करने से पहले आपके पास टॉप नॉच स्टडी मटेरियल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप कहाँ से भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अर्न अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप ले लीजिए जिससे आप अपना बहुत बड़े गेट का प्रिपरेशन कर सकते हो। फोर्थ स्टेप है क्लैरिफाई योर डाउट एंड रिवाइज।
बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, वो प्रिपरेशन करते रहते हैं रिवाइज नहीं करते, या फिर उनको जो डाउट आता है वो बोलते हैं कि हम बाद में पूछेंगे या फिर बाद में सॉल्व करेंगे, बट वो बाद में चीज़ें आती ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और वो अपना गेट का रैंक लूज़ कर देते हैं। तो अगर आपको गेट में अच्छा रैंक चाहिए, पीएसयू में अच्छा जॉब चाहिए, तो आपको इस स्टेप पे बहुत अच्छी तरह से फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो वो सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपर्ट गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए अर्न अकेडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आप ले सकते हो। वहाँ पर रेगुलरली डाउट सॉल्विंग सेशन भी होते हैं, जिससे आप अपना गेट का प्रिपरेशन में जो भी डाउट आते हैं वो आप क्लियर कर सकते हो। सो ये 4 स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट आप रोल प्ले करता है आपके गेट प्रिपरेशन में। अगर आप इस पे फोकस नहीं करोगे तो आप इससे अपना रैंक लूज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 5th एंड लास्ट स्टेप है कि स्टे मोटिवेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे एग्जाम आता है अपना मोटिवेशन लूज कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि हम गेट के लिए प्रिपेयर नहीं करते, हम दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट गेट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं, तो हम दूसरा एग्जाम ट्राई करते हैं, बट आपको ये पता नहीं होता कि सभी स्टूडेंट हर चीज़ प्रिपेयर करना चाहते हैं। बट आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि अगर आप गेट प्रिपेयर करना चाहते हो तो गेट पे ही फोकस कीजिए। वैसे तो गेट के बेनिफिट्स देखे जाए तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि गेट एग्ज़ाम अगर आप प्रिपेयर करते हो तो बहुत सारे जो एग्ज़ाम अलग एग्ज़ाम आते हैं वो सिमिलर टू गेट एग्जामिनेशन रहते हैं। सो आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा हो जाएगा। सो मेन फोकस है कि गेट एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता तब तक आप मोटिवेट रहे कि गेट एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप अपना मोटिवेशन लूज़ कर दोगे तो आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है कि ये 5 स्टेप आपको अच्छी तरह से फॉलो करने हैं, जिससे आप अपना गेट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली क्रैक कर सकते हो। और गेट प्रिपरेशन रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हो तो अर्न अकेडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आप ले लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।